इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कोडियो के भाव बिकने वाले लैपटॉप के बारे में, जहां पे स्पेसिफिकेशन और इसके प्राइस में लगभग जमीन आसमान का फर्क है। जहां पे जो स्पेसिफिकेशन ये लैपटॉप आप लोगों को ऑफर कर रहा है, दूसरे कंपनी लगभग 33,000 से 40,000 के बीच में दे रही है, वही एसर ने दोस्तों यहाँ पे इस चीज को आपको 25,000 रुपए में देने का फैसला किया हुआ है। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ Acer 1 2024 मॉडल के बारे में, जहां पे आप लोगों को i3 11th जनरेशन, जो की लगभग 3 से 3.5 साल पुराना प्रोसेसर है, जी सीरीज वाला, 28 वॉट वाला है, 15 वॉट वाला यू सीरीज का इन्होंने नहीं डाला है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। 14 इंच का मॉडल है और 1.5 kg का जो है आप लोगों को यहाँ पे वेट देखने को मिल जाता है। नाउ अगर आप लोग देखेंगे कि भाई इसको रेटिंग्स तो बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे मिली हुई है, ठीक है। नाउ अगर ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि 2024 का जो है मॉडल है, तो भाई इसमें जो रेटिंग्स है वो लगभग 1 से 1.5 साल पुरानी क्यों आपको देखने को मिल रही है? तो दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर है, यहाँ पे सेलर ने जो है बड़े चालाकी से, मुझे लगता है यहाँ पे इसका रीनेम किया हुआ है, ठीक है। मोस्ट लाइकली इसका यही जस्टिफिकेशन है और यही सेम मॉडल लगभग 3 साल से बिक रहा है। तो वैसे देखो, उससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज प्रोडक्ट इज रियली वेरी गुड। भले प्रोसेसर 3 साल पुराना हो, लेकिन 28 वॉट वाला है, आपके सारे बेसिक टास्क तो जो है यहाँ पे आराम से हो जाएंगे। लेकिन वन थिंग विच आई कैन से श्योर अबाउट दिस लैपटॉप इज बैटरी लाइफ वोंट बी क्योंकि 45 वॉट आवर की जो है यहाँ पे आप लोगों को बैटरी देखने को मिलती है। सो डोंट एक्सपेक्ट, लगभग 3.5 घंटे से लेकर 4 घंटे तक की जो है बैटरी लाइफ आप लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सारे जो बेसिक टास्क होते हैं, जैसे कि बिलिंग हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, मैकेनिकल के कैड के डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग केटिया एंड मेश, यहाँ पे आप लोग क्रियो भी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है आप लोगों की बिल्कुल आराम से यहाँ पे चल जाएगी। 8 GB RAM है, 512 GB SSD है। रैम को आप लोग एक्सपैंड यहाँ पे 32 GB तक कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये सब करने की जो है बिल्कुल कोई जरूरत है। टारगेटेड ऑडियंस मैं बता देता हूँ, BTech MBA हो गया, आपका MCA हो गया, या फिर वो कॉलेजेस जहाँ पे बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ जो है एग्जाम में फॉर्म भर देते हैं और एग्जाम देने जाना पड़ता है, वो वाले बच्चे भी जो है इस लैपटॉप को यहाँ पे आराम से कंसिडर कर सकते हैं। एंड गेस वॉट, ये लैपटॉप जो है लगभग आप लोगों को 4 से 5 साल तक जो है आराम से यहाँ पे जो है शेल्फ लाइफ निकाल के देगा। और पता है ऐसे लैपटॉप का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? ऐसे लैपटॉप्स की बैटरी बहुत जल्दी आप लोगों को जो है यहाँ पे मिल जाती है, बिकॉज इनमें बैटरी जो होती है पूरी ट्रेडिशनल वाली होती है, जहाँ जो कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके जो है बनाई जाती है। देखिए दोस्तों, कस्टम मेड जो बैटरी होती है वो उन्हीं लैपटॉप्स के लिए जो है बनती है, जो कि काफी ज्यादा जो है महंगे हैं और ज्यादा बल्क में बिकेंगे, ठीक है। तो ऐसे लैपटॉप्स के लिए कस्टम मेड बैटरी कंपनी यूज नहीं करती, नॉर्मल थर्ड पार्टी बैटरी जो है आप लोग आराम से अजोर कर सकते हैं कि आज से 5 से 6 साल बाद जो भी मिलेगा वो जो है आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। पहले एक और टारगेटेड ऑडियंस है दोस्तों, किसी को आपको गिफ्ट करना है, ठीक है। देखिए इंडिया में क्या होता है, बस नाम होता है, लैपटॉप गिफ्ट किया, भले ही जो है आप लोग बेसिक स्पेसिफिकेशन वाला दे दें, तो अपने कजिन वजिन को देना है, छोटे भाई बहन को देना है, तो उनके केस में भी आप लोग जो है इसको यूज कर सकते हैं। एंड बिलिंग के लिए जो है ये वाला लैपटॉप काफी ज्यादा सही आपको मिलेगा। वेल, इट्स अ 14 इंच डिस्प्ले विद 1.5 kg वेट, तो नम पैड आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलता है आपको, ठीक है। वेल, एक चीज और यहाँ पे है, देखिए होता है अभी भी इंडिया में काफी ज्यादा लोग जो है ब्रांड कॉन्शियस है, राइट। वो इन्फिनिक्स जैसे ब्रांड्स का लैपटॉप लेना नहीं प्रेफर करते हैं, दो दे आर बी रियली रियली वेरी गुड, ठीक है, लेकिन वो जरूर जो है दोस्तों यहाँ पे एसर के लैपटॉप जो है लेना पसंद करेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड नेम। नाउ यहाँ पे एक चीज मुझे अच्छी लगी कि डिस्प्ले जो है 1080p वाली है, ठीक है। देखो होता क्या है ना कि आजकल सबको आदत क्या है 1.5x पे 2x पे देखने की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आराम से वो चीज कर सकते हैं। 720p डिस्प्लेज में दिक्कत ये जाती है कि आप अगर 1.5 2x पे 1080p चलाते हैं, तो 720 पे पी में बिल्कुल नहीं चलता है, यहाँ पे बिल्कुल आराम से चल जाएगा। और हाँ, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों, इसमें 1080p 60 आई थिंक ज्यादा 1.5x पे चल जाएगा, लेकिन 2x पे जो है हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दे। एक और चीज इन लैपटॉप्स के साथ में कॉमन होती है दोस्तों, थोड़ा कम वाईफाई रेंज होना। कम इन द सेंस, ऐसा भी नहीं एकदम खत्म, लेकिन जिन लैपटॉप्स के, देखिए इसके अंदर मोस्ट लाइकली आप लोगों को Wi-Fi 5 वाला देखने को जो है सिस्टम मिलेगा, Wi-Fi 6 नहीं होगा। तो Wi-Fi 6 में क्या होता है, रेंज काफी ज्यादा मिलती है उन लैपटॉप्स में, लेकिन Wi-Fi 5 में ऐसा नहीं, आपको रेंज उतनी ज्यादा यहाँ पे जो है देखने को नहीं मिलेगी, बट स्टिल इट्स अ वेरी वर्केबल। एंड पोर्ट सिचुएशन की बात करें तो भाई इन लोगों ने तो पूरी रेड पोत दी है, यहाँ पे पोर्ट भर भर के दिए हुए हैं, मतलब
मुझे लगता है कि जो धीरे धीरे आउटडेटेड भी हो गए हैं, जैसे कि लैंड पोर्ट है, लेकिन लैंड पोर्ट का यहाँ पे सेंस ये बनता है दोस्तों, क्योंकि इनको मालूम है कि इतना सस्ते में लॉन्च इन लोगों ने किया हुआ है, तो ज्यादातर जो है कंपनीज इन्हें बल्क ऑर्डर में उठा सकती हैं आजकल। अभी भी जो है कंपनीज में दोस्तों, कंपनी जो है लैंड यूज करना प्रेफर करती है रादर देन देयर वाईफाई नेटवर्क, बिकॉज ऑफ देयर हैकिंग सिस्टम एंड ऑल, जहाँ पे सेंसिटिव डेटा होता है, तो उस केस में अभी भी लैंड यूज होता है। और अभी भी जो पुराने कॉलेज हॉस्टल्स हैं वहां पे भी लैंड सिस्टम चालू है, तो कंसिडर यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। HDMI पोर्ट है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा HDMI पोर्ट जो है अपनी प्रेजेंटेशन देने से पहले है ना, जो आपकी डिस्प्ले होती है उसमें थोड़ा टेस्ट करके देखो, क्योंकि मैंने देखा ऐसे लो एंड वाले जो लैपटॉप होते हैं ना HDMI पे लगाने पे अटक जाते हैं भाई, मतलब लैपटॉप ही पूरा का पूरा हैंग मार जाता है। तो प्रेजेंटेशन दिखाओ तो HDMI से कनेक्ट करने से पहले कुछ चेक कर लेना आप लोग, सो यू नो दैट विल बी मोर गुड। टाइप सी पोर्ट आप लोगों को जो है दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है, इट्स द लेटेस्ट USB 3.2 पोर्ट, तो जो भी डेटा ट्रांसफर आप लोग यहाँ पे जो है कर सकते हैं बिल्कुल आराम से हो जाएगा यहाँ पे। और दो टाइप के पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, USB 3.2 Gen 1 पोर्ट, तो वो भी काफी ज्यादा जो है फास्ट आप लोगों को मिलते हैं, नथिंग स्पेशल। ओवरऑल दिस लैपटॉप रिप्रेजेंट घर का खाना राइट, जो कि हेल्थी है, देर इज नथिंग स्पेशल, ठीक है, देर इज नथिंग फैंसी अबाउट इट, बट स्टिल इट्स वेरी गुड एंड हेल्थी, ठीक है। तो ज्यादा जेब पे जो है जोर नहीं देने का, और इस लैपटॉप को अभी नहीं खरीदने का, इसको जो है आप लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल 30 सितंबर को जो है आ रही है, और सेम लैपटॉप जो है अमेजोन पे भी चेक कर लेना। 30 सितंबर को क्या होगा, देखो हो सकता है कीमत सेम हो लेकिन कार्ड बदल जाए, ठीक है। अभी इन्होंने जो है ना आंडू पांडू कार्ड दिए हुए हैं, बॉब कार्ड दिया हुआ है, फेडरल बैंक का कार्ड दिया हुआ है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग इंडिया में यूज करते हैं, बिकॉज एज फार एज आई कैन सी ज्यादातर जो है इंडिया में SBI और ICICI जो है इन्हीं कार्ड का जो है दोस्तों ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। तो कीमत भी कम हो सकती है, कार्ड भी बदल सकते हैं, तो उस केस में आप लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इस लैपटॉप को आप लोग जो है गिफ्ट कीजिए, खुद भी यूज कीजिए, वेरी गुड लैपटॉप। और हाँ यार, डिस्प्ले के बारे में कंप्लेन मत करना, ऑब्वियसली इट विल बी नॉट गुड डिस्प्ले, बट क्या करें, प्राइस कम है तो मैनेज यहाँ पे आप लोग आराम से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग जो है वीडियो को एंजॉय किए हुए होंगे, आपका जो भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।